ओके गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये डिमांड आ रहा था कि सर आप ये सिखाओ कि कैसे सी प्लस प्लस के अंदर में दो कोड को पैरेलली चला सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, दो कोड को पैरेलली चलाना है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि सबसे पहले ऊपर का कोड चलता है फिर नीचे का कोड चलता है, राइट, अगर आपने देखा होगा तो। बट हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये ऊपर में जो कोड हमने लिखा है और उसके नीचे जो कोड हमने लिखा है वो पैरेलली चले। हो सकता है ऊपर में 10-15 लाइन का कोड हो या 1-2 लाइन का भी हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है 15-20 लाइन के, कितने भी लाइन्स के कोड हो सकते हैं। हम दो कोड को, मतलब हमारे पास दो काम है, कोड मतलब ऐसे समझ सकते हो कि दो काम है। एक काम के लिए हमने 15-20 लाइन का कोड लिखा हुआ है और फिर मेरे पास दूसरे काम के लिए 15-20 लाइन का कोड है, बात समझ गया। हम उसको चाहते हैं कि पैरेलली चलाना, मतलब दोनों काम एक साथ होना चाहिए। ऐसे यूजुअली होता नहीं, आपको पता है राइट, पहले ऊपर का होता है फिर नीचे का होता है। चलो इस चीज़ को सीखते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं हर चीज़ को एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा टाइम लूँगा बट चीज़ों को पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बातें समझ गया। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक चीज़ जरूर करना है, कमेंट बिल्कुल बताना है कि कैसा लगा, और उसके बाद सब्सक्राइब करके जाना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सुन मेरे बात ध्यान से, ठीक है, पहले मैं कोड आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं फाइल पर जाता हूँ और यहाँ पर एक MPD फाइल मैं बनाना चाहूँगा और ये बेसिकली C++ टाइप का फाइल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम कुछ भी, लाइक मैंने इसका नाम दे दिया demo7.cpp। हाँ, एक C++ का फाइल है ये। सबसे पहले मैं जो बेसिक कोड है मैं वो लिखता हूँ, हैच इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, ओके कुछ इस प्रकार से, और फिर मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस STD ऐसे, ठीक है। एक मेन फंक्शन बना लूँगा, ये आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न 0। ये बेसिक सा कोड है, ओके, जो कि हमें हर प्रोग्राम में लिखने ही पड़ते हैं, है ना। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास दो काम होंगे, दो काम ये होगा बेसिकली कि एक ऊपर का जो काम होगा ना वो ये होगा कि 0 से लेकर 4 तक डिस्प्ले करना, और उसके लिए कुछ कोड लिखूंगा मैं, और फिर नीचे एक कोड होगा वो भी 0 से 4 तक ही डिस्प्ले कर रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके पास कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं अभी मल्टीपल एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सिंपली एक फोर लूप बना रहा हूँ, ठीक है, अब अच्छे से देखिए सीखना। इंट i=0, हाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, i <= 4, 4 तक जाएंगे, और i++ हर बार वैल्यू 1 बढ़ाएंगे, और मैं इसको सी आउट करना चाहूँगा, मतलब डिस्प्ले करवाना चाहूँगा हर बार, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट ऐसे कोड 1, ठीक है, मैंने कोड 1 लिखा हुआ है, स्पेस लगाया मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पर i का वैल्यू डिस्प्ले करना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या देगा, ठीक है, और हर लाइन को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लास्ट में एंडल लगा दिया। तो इस कोड के चलने से क्या होगा आपको पता होना चाहिए, आउटपुट आएगा कोड 1 और फिर आएगा वैल्यू, पहले 0 आएगा, तो कोड 1 0, फिर लाइन ब्रेक, कोड 1 1, कोड 1 2, कोड 1 3, कोड 1 4, ऐसा आने वाला है, राइट। बिल्कुल सही सुना आपने। तो यार मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको बिल्ड एंड रन करा, आप देख सकते हो एग्जैक्टली कोड 1 0 कोड 1 1 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ना एक टास्क हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लूप नहीं, कुछ और भी हो सकता है, लाइक 10-15 लाइन का कुछ भी कोड हो सकता है, मैं लूप ले रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, फाइन। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ नीचे, ठीक है, ये मेरा दूसरा काम है, ये भी 0 से 4 तक ही डिस्प्ले कर रहा होगा। अब ये मेरा अलग है और ये मेरा अलग है, इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ, बात समझ गया, बिल्कुल सही सुना आपने। तो होगा क्या ना कि ये 0 से 4 ऐसे कोड 1 0 कोड 1 1 ऐसे करके कोड 1 4 तक आएगा, फिर यही स्टार्ट होगा, और कोड 2 0 कोड 2 1 ऐसे करके कोड 2 4 तक आएगा, राइट, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको बिल्ड रन करता हूँ, देखोगे आप, ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने कहा वही है, देख लो आप अच्छे तरीके से, कोड 1 0 से लेकर के कोड 1 4 तक, और फिर कोड 2 0 से लेकर के कोड 2 4 तक, आप देख सकते हो इस चीज़ को, राइट, ओके फाइन। तो जी ये सही काम कर रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। कि अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ये दोनों कोड मतलब पैरेलली चले एक साथ, जैसे कि मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि ये कोड 1 0, इसका जब पहला चला होगा ना कोड 1 0, क्योंकि देखो जब दोनों पैरेलली चलेगा तो क्या होगा, कोड 1 0 इसका और फिर यहाँ से कोड 2 0, दोनों एक साथ आना चाहिए, बातें समझ रहे, मतलब दोनों पैरेलली चलना चाहिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जब इसका कोड 1 0 कोड 1 1 कोड 1 2 चल रहा होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे वाला जो भी कोड है ना कोड 2 0 कोड 2 1 कोड 2 2, ये भी चले, बातें समझ रहे, तो दोनों एक साथ मैं चलाना चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ये चल के फिनिश हो रहा है उसके बाद फिर ये चल रहा है, नहीं, मैं दोनों को पैरेलली चलाना चाह रहा हूँ। तो कोई भी जो तो काम होंगे ना जिसको आप पैरेलली चलाना चाह रहे हो, तो उसको बेसिकली करना ये है कि इन दोनों को एक एक फंक्शन में डाल देना है, ठीक है, जो भी आपके पास दो टास्क होंगे जिसके लिए दो कोड होंगे उसको एक एक फंक्शन में डाल देना है, सबसे पहले स्टेप तो यही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं फंक्शन बना जा रहा हूँ वाइड, इसका नाम देता हूँ फंक्शन 1, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ओके फाइन, वाइड फंक्शन 1, और मैं इस
को चिपका देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर कट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन मैं बनाता हूँ, ठीक है, वाइड फंक्शन टू, ठीक है, ऐसे, ओके फाइन। और फिर मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और मैं काम करूँगा ये पूरा चीज़ जो है वो मेन फंक्शन के बाद, ठीक है, मेन फंक्शन के बाद मैं बनाना चाहूँगा नीचे, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपके पास पता होना चाहिए कि दो फंक्शन है, फंक्शन वन, फंक्शन टू, ठीक है। और मैं इन दोनों फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ एक के बाद एक, ठीक है, बढ़िया से समझोगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन वन को कॉल करा और फिर मैं फंक्शन टू, इसको मैं नेम एडिट करना भूल गया, नहीं करा हुआ, तो चीज़ें ठीक ठाक है, ओके फाइन। और फिर मैं फंक्शन टू को भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन टू को भी मैंने क्या करा, कॉल कर लिया। तो फिर से वही चीज़ होगा, पहले फंक्शन वन कॉल होगा तो पहले ये चलेगा पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा, फिर फंक्शन टू कॉल होगा फिर वो पूरा पूरा चलेगा, ठीक है। लेकिन स्टेप यही है कि पहले आपको फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं इसको गया और बिल्ड एंड करा, देखो ध्यान से सुनते जाओ अच्छे तरीके से। हाँ, ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, फंक्शन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करा है, तो फंक्शन को डिक्लेयर कर लेना है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना है वाइड फंक्शन वन, ऐसे लिख करके, आपको पता है डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, वाइड फंक्शन टू, इस प्रकार से। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको बिल्ड एंड रन करा, आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रहा है जो थोड़ी देर पहले हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि फंक्शन बना लेना है पहले, ठीक है। तो बेसिकली हम ये भी सिग्नल है कि दो फंक्शन को कैसे पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, इस बात को ध्यान रखना, ओके फाइन। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल स्टोरी पे, कैसे दोनों को पैरेलली चलाएं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, और वो जो लाइब्रेरी है वो है थ्रेड। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही सुना हमने। तो हैच इंक्लूड, और यहाँ पे लिखना है थ्रेड, ठीक है, कुछ ऐसे, बहुत ही शानदार, वेल, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, आप देख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने हैं मेन फंक्शन के अंदर, मैंने कहा कि मेन फंक्शन के अंदर आने हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाने हैं इस तरीके से T1, ओके, और इसमें पास कर देना है उस फंक्शन का नाम, तो फंक्शन वन, ठीक है, मैंने इस तरीके से पास कर दिया। अब वैसे ही मैं एक T2 बनाऊँगा, थ्रेड T2 देख सकते हो आप, ठीक है, और ये फंक्शन 2 ऐसा होगा, ओके फाइन। अब क्या करना है, ये लिखना है T1 dot join, और फिर लिखना है T2 dot join, ओके फाइन। तो हमने क्या करा ना, एक थ्रेड बनाया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब वो थ्रेड चलेगा और पैरेलली दोनों कोड चलेगा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि दोनों कोड मतलब ये फंक्शन वन, फंक्शन टू, दोनों जो हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, राइट, ओके, मैं दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव करा, हाँ मैंने इसको सेव करा, और मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको बिल्ड एंड रन करा, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब बढ़िया से देखना, ये कोड वन आ रहा है, फिर कोड टू आ रहा है, फिर ये कोड वन का जीरो होगा, कोड टू का जीरो होगा, फिर ये कोड वन वन, कोड वन टू, कोड वन थ्री, कोड वन फोर, फिर कोड टू वन, कोड टू टू, कोड टू थ्री, कोड टू फोर। अब बात को समझोगे कि पहले ऐसा आउटपुट तो नहीं आने लगा है। अच्छा, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, बिल्ड एंड रन। तो मैं यहाँ पे गया, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, मैंने कहा ना कि पैसेंस जरूर रखना, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे आप, पूरी बात है, आप अगर सुनोगे नहीं तो फिर आधा ज्ञान लेकर के आप भटकते रहोगे और बहुत प्रॉब्लम आएगा, बात को समझो। तो मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ वापस से। अब की बार अगर देखोगे तो कुछ अलग तरीके से डिस्प्ले हुआ है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। कोड वन मतलब जो फंक्शन वन है, फंक्शन टू जो है, वो दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बस आइए, लेकिन आउटपुट स्क्रीन तो हमारा एक ही है। तो अब इसका चलने का स्पीड हो सकता है कुछ अलग है, या कुछ टाइम दिस दैट अलग हो रहे होंगे, ठीक है, ये फंक्शन मेरा अलग तरीके से चल रहा होगा, लेकिन आउटपुट स्क्रीन एक ही है, तो जब जिसको जगह मिला डिस्प्ले करता गया, लेकिन हाँ, दोनों फंक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नो डाउट। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा डिले लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, C++ के अंदर में आप डिले लगा सकते हो, पूरी बात को बढ़िया से समझोगे, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रहा है, उसके बाद मैं डिले लगाना चाहता हूँ, तो कैसे लगाएंगे, आपको लिखना है दिस, और वो आपने थ्रेड जो यूज़ करा हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है slip 4, ठीक है, डबल ये लगा करके, हाँ बिल्कुल, slip 4 लिखना है। और उसके बाद, हाँ मैंने कहा उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे, और आप लिखोगे STD और फिर डबल ए, और फिर लिखोगे क्रोनो, ओके, कुछ इस प्रकार से, आप देख लो मैंने क्या करा हुआ है, ठीक है। फिर आप डबल डॉट लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे मिली सेकेंड्स, ठीक है, हाँ मिली सेकेंड्स, और जितने मिली सेकेंड्स के लिए आपको
डील लगाने हैं आप लगा दो। तो मैं काम करता हूँ, लगा देता हूँ 500 मिलीसेकंड का। मैंने कहा 500 मिलीसेकंड का, 500 मिलीसेकंड कितना होता है ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 500 मिलीसेकंड मतलब आधा सेकंड है ना, बिल्कुल। तो मैं काम करता हूँ, सेमी कोलन लगाता हूँ यहाँ पे, और इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, मैंने कहा इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं बिल्ड रन करता हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करना, फंक्शन वन के हर एक स्टेप पे मैंने थोड़ा सा डिले लगाया हुआ है आधा सेकंड का, और फंक्शन टू में भी मैंने करा हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों फंक्शन एक साथ चलेंगे तो आपको थोड़ा रुक रुक करके चीज़ें दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्ड रन करा, अब जरा आप देखोगे, देखो कोड टू कोड वन चला है, फिर कोड टू कोड वन, कोड टू कोड, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो तो ये आपको देख रहे होंगे कि पैरेलली ऐसे चल रहा है, ठीक है, आप देखो अच्छे तरीके से। मैंने कहा आप बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे हो क्या? देखो ना, देखो देखो, तो आपको समझ में आ रहे होंगे राइट। देखो कोड टू चला, मैंने कहा ना कि कोड टू कोड वन दो चीज़ें हैं, उसका जीरो जीरो फिर वन वन, इस तरीके से ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हाँ सच्चाई यही है कि दोनों एक साथ चल रहा है, राइट। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत यूज़फुल है, आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, तब जाकर के चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगे। ऐसे और भी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।